बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेज़ टू रिएक्शंस। फेज़ टू रिएक्शंस हम लोग लिपनकॉट से भी पढ़ेंगे, कैटजन से भी पढ़ेंगे। लिपनकॉट से पहले पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एक पैराग्राफ का टेक्स्ट दिया है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाए। कैटजन से पढ़ना क्यों ज़रूरी है भाई? कैटजन में फेज़ टू रिएक्शन की थोड़ी सी डिटेल दी गई है। आगे जाके आपने ड्रग्स पढ़नी है, उस डिटेल का ताल्लुक आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स से है। ये समझ नहीं आएगा तो आपको साइड इफेक्ट्स भी समझ नहीं आएंगे। बच्चों सबसे पहले हम मूव करते हैं फेज़ वन रिएक्शन, फेज़ टू रिएक्शंस फ्रॉम दी लिपनकॉट। बच्चों फेज़ वन रिएक्शन जब आपने लिपनकॉट में पैराग्राफ देखा तो सबसे पहले आपके ऑथर ने एक लाइन लिख दी कि फेज़ टू रिएक्शन या दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ दी कॉन्जुगेशन रिएक्शन। देखो इधर मैंने एक वर्ड यूज़ किया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऐसा कुछ यूनाइट हो रहा है, कंबाइन हो रहा है भाई। कॉन्जुगेशन कुछ यूनाइटनेस होगी। यूनाइट क्या होगा बच्चों? इसके अंदर मेरे पास मेरी एक ड्रग है, ठीक है, कॉन्जुगेट कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी मेरे किसी भी एंडोजनस सब्सटेंस के साथ, ऐसे सब्सटेंस के साथ जो ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंडोजनस है, ठीक है। अब जी बाइंड कैसे करेगी? बाय मेकिंग अ बॉन्ड, ठीक है। कैसे बाइंड करेगी? बाय मेकिंग अ बॉन्ड। भाई आपको पता है बॉन्ड किसके कैसे बनेगा? मेरी ड्रग के ऊपर डेफिनेटली कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ना जिसकी मदद से बनेगा। अच्छा जी, मैंने कहा कॉन्जुगेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेशन रिएक्शन क्या है? फेज़ टू रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन देर विल बी द सिंथेसिस ऑफ अ कॉन्जुगेट, देर विल बी द सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी वाटर सॉल्यूबल। फिर एक्सक्रीट होगा ना, दैट कंपाउंड विल बी वाटर सॉल्यूबल, दैट कॉन्जुगेट विल कंटेन द ड्रग इन कम्बिनेशन विद द एंडोजेनस सब्सटेंसेस एंड इन बिटवीन देम देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। दिस इज द कॉन्जुगेशन। अब ये जो मेरे पास रिजल्टेंट एक कंपाउंड बन गया है जो दैट विल बी द कॉन्जुगेट, दैट विल बी कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेशन से बना, क्लियर बच्चों? कॉन्जुगेट मेरे पास कंपाउंड है। मैं खाली कॉन्जुगेट को डिफाइन करना चाह रही हूँ। कॉन्जुगेट मेरे पास एक कंपाउंड है, ओके, दैट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ऐसे ही है ना, क्लियर है यहाँ तक? ये भी आपके ऑथर की लिपनकॉट की फर्स्ट लाइन थी। अब भी आपके ऑथर ने कहा कि फेज़ वन रिएक्शन की अगर मेरे पास ड्रग आती है, ठीक है, फेज़ वन रिएक्शन में मेरी ड्रग गई तो वो पोलर हो गई। अब भाई अब तो वो पोलर हो गया, क्यों ना वो मेरी किडनी डायरेक्टली इसको निकाल दे, फेज़ टू में जाने की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। मेरी ड्रग आई, फेज़ वन में गई, फेज़ वन ने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की, दैट वाज नॉट मच पोलर के बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अब वो मेरे पास फेज़ टू के अंदर चली गई। अब जी मेरी ड्रग फेज़ वन में गई, फेज़ वन में भी उसको ऐसे एंजाइम्स ही नहीं मिले जिसको पोलर बना सकें, तो वो फेज़ वन में अब नहीं जाएगी भाई, उसने फेज़ टू के अंदर जाना, ठीक है। डायरेक्टली मेरी ड्रग फेज़ टू के अंदर भी आ सकती है या फिर नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेगी, फेज़ वन में गई, फेज़ टू में आई और फिर एक्सक्रीट होगी। अभी से याद रख लो, मैं आगे जाके कहूँगी कि मेरी ड्रग्स ऐसी भी हैं जो ना तो फेज़ वन में जाएंगी ना फेज़ टू में जाएंगी, डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएंगी भाई। हो सकता है वो पहले से ही हाइड्रोफिलिक हो, ठीक है, वो पहले से ही हाइड्रोफिलिक हो सकती हैं। फिर मेरे पास एक्सेप्शंस ऐसी भी आएंगी भी, मेरे पास ड्रग्स के ऊपर जी एज सच अनचेंज्ड फॉर्म में अगर कुछ ना कुछ इसके ऊपर लाइपोफिलिसिटी है तब भी इसको बॉडी से एक्सक्रीट होना है, ठीक है, कुछ भी आइडियल नहीं चलेगा मेरे पास। बच्चों यहाँ पे हम लोगों को समझ आ गई फेज़ टू रिएक्शन इज़ द कॉन्जुगेशन रिएक्शन जिसके अंदर कॉन्जुगेट आपके पास बन रहे थे। अब जी मकसद क्या था? ड्रग को किसी ना किसी तरह मैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करा दूँ, उसको पोलर नेचर के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। अब कॉन्जुगेशन रिएक्शन में मैंने कहा देर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोजनस सब्सटेंसेस। अब ये एंडोजनस सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर लिखे हैं कुछ एसिड्स का नाम, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का नाम जो लिपिड्स से, कार्बोहाइड्रेट्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। यानी कि बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ मुझे ऐसा चाहिए जो मेरी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ मिले
और मिलने के बाद इस पूरे कंपाउंड को पोलर बना दे, इस ड्रग को अपने साथ कैरी करे और निकाल दे मेरी बॉडी से। अच्छा, अब ये एंडोजेनस सब्सटेंसेस बहुत से हैं, कुछ एग्जांपल जो लिपनकॉट के अंदर लिखे हैं, इसके अंदर कुछ एसिड्स का नाम भी लिखा है। बच्चों जब ये लिस्ट पढ़ोगे, ये नाम पढ़ोगे, इसके अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का भी नाम नजर आएगा। इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है भैया, आपकी बॉडी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सल्फर्स, ठीक है। अब जी एंडोजेनस सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं? एग्जांपल्स आर ग्लुकुरोनिक एसिड, वी हैव द सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव द एसिटिक एसिड, वी हैव द अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से भी एक्सट्रैक्टेड चीज़ें सब्सटेंसेस इसके साथ आकर यूनाइट करेंगे, भाई मेरी ड्रग को किसी ना किसी तरह पोलर बना दे, ठीक है बच्चों। अब जी आपके ऑथर ने कह दिया देर इज एन एक्सेप्शन, एक ड्रग का रेफरेंस लेके आपसे एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस कर लिया। आपके ऑथर ने कहा द एक्सेप्शन इज मॉर्फीन 6-ग्लुकुरोनाइड विच इज मोर पोटेंट देन द प्रोटीन। हम लोग ने याद मोर पोटेंट देन द मॉर्फीन, हम लोगों ने पढ़ा था मेरे पास लेस पोटेंट ड्रग है, मेटाबॉलिज्म हुई मोर पोटेंट बन गई। हम लोग ने मॉर्फीन की भी एग्जांपल पढ़ी थी, भी मॉर्फीन के ऊपर रिएक्शन हुआ, फेज टू रिएक्शन हुआ, मेरी मॉर्फीन ने मोर पोटेंट कंपाउंड बना दिया, सब्सटेंस बना दिया। आई हैव ड्रग दैट इज मॉर्फीन, मॉर्फीन की मेटाबॉलिज्म हुई, बुक के अकॉर्डिंगली बुक ने मैं सिर्फ एक मेटाबोलाइट का नाम लिखा है, एक मेटाबोलाइट नहीं है, दो मेटाबोलाइट्स बनेंगे। पहला मेटाबोलाइट जिसका नाम आपके बुक के अंदर है दैट इज मॉर्फीन 6-ग्लुकुरोनाइड, दूसरा मेटाबोलाइट बहुत इजी है मॉर्फीन 3-ग्लुकुरोनाइड। अच्छा जी मेरे पास जी इसमें से जो मॉर्फीन 6-ग्लुकुरोनाइड है दैट इज मोर पोटेंट, दैट इज हैज मोर एनल्जेसिक एक्टिविटी, ऐसे पढ़ा था ना, दिस इज एन एनल्जेसिक ओपिएट। अच्छा जी अब जी मेरे लिवर में जाके मेरे लिवर में ये मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हुआ। अब जी मैंने कहा ये तो मोर पोटेंट है, इसने तो एक्शन करना है, करना है तो भाई मेरी बॉडी ने फिर भी कोशिश करनी है कि इसको बॉडी से निकाले, इन दोनों के दोनों सब्सटेंसेस को। अब मेरी बॉडी ने क्या किया, एज सच मेरे किडनी के थ्रू विद एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। अब जी रिसर्च आर्टिकल्स जाओगे ना पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मेरे पास बच्चों मॉर्फीन थी, मैंने मॉर्फीन ड्रग ले ली, इस मॉर्फीन ड्रग में से जो मेरी 10% मॉर्फीन है एज सच मेरी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। आइडियली कुछ नहीं हो रहा, आइडियली पूरी की पूरी मॉर्फीन के ऊपर मेटाबॉलिज्म होके पूरे के पूरे मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे हैं। 10% जो मेरी ड्रग है एज सच पेरेंट ड्रग, मैं कह दूँ दिस इज़ द पेरेंट ड्रग, भाई 10% मेरी ड्रग जो है मेरी बॉडी से एज सच एक्सक्रीट हो जाएगी, अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाएगी इन द यूरिन, ठीक है, इन द यूरिन ये एक्सक्रीट होगी। अब जो रिमेनिंग मेरे मेटाबोलाइट्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं ना मॉर्फीन 6-ग्लुकुरोनाइड, मैं कह दूँ ये ग्लुकुरोनाइड्स हैं, ये जो बच्चों मेरे ग्लुकुरोनाइड्स हैं, ठीक है, अब ये भी एक्सक्रीट होंगे, मेनली कहाँ से एक्सक्रीट होंगे, यूरिन के थ्रू, और माइनर अमाउंट मेरी एक्सक्रीट होगी इन दी बाई, क्लियर क्लियर है यहाँ तक। अच्छा बच्चों ये जो मैंने कहा ना मेटाबॉलिज्म हुई, मेटाबॉलिज्म होने के बाद यानी कि फेज टू मेटाबॉलिज्म हुई, मेरे पास ग्लुकुरोनाइड्स बने, जिस रिएक्शन के अंदर मेरे पास, अभी मैं आगे जाके जब हम कैडजन पढ़ेंगे इसके एंजाइम्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कैडजन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिस भाई रिएक्शन के अंदर मेरे पास ग्लुकुरोनाइड्स बन रहे हैं उस रिएक्शन को मैंने कह दिया ग्लुकुरोनाइडेशन, क्या कह दिया ग्लुकुरोनाइडेशन। अब ये चीज़ याद रख लो ग्लुकुरोनाइडेशन इज मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज वन रिएक्शन, सबसे कॉमन रिएक्शन ये है, ठीक है। अच्छा जी अब बच्चों मेरे पास ड्रग्स थी फेज़ वन में गई, अच्छा फेज़ वन में अगर नहीं भी गई तो मेरे पास ड्रग्स या तो फेज़ वन में होकर आने के बाद या डायरेक्टली अगर मेरे पास ड्रग आ गई और मेरे ड्रग के ऊपर सर्टन ग्रुप्स आ गए, ओएच ग्रुप, पोलर ग्रुप है क्या ओएच ग्रुप,
पोलर है ना, मेरे पास ड्रग आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर पोलैरिटी है, या मैंने फेज वन में जाने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी डाल दी, या फुली पोलर कर दिया, तो तब तो एक्सक्रीट होगी भाई। अगर मेरे पास ड्रग आई, मेरे ड्रग के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई पोलर ग्रुप है, OH ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अब क्या होगा जी, मेरी डायरेक्ट विल डायरेक्टली एंटर इनटू द फेज टू रिएक्शन। मेरे पास ड्रग के ऊपर ऑलरेडी ये ग्रुप्स थे, तो मेरी ड्रग ने क्या किया, फेज टू रिएक्शन के अंदर चलेगी। अदरवाइज फेज वन ने प्रोसेस किया इन जैसा, इन्हें बनाया और फिर वो फेज टू में चलेगी। अभी इधर ऑथर ने कह दिया जी मेरे पास ड्रग आई, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसके ऊपर अमीन ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप था, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, मेरी ड्रग अब जी डायरेक्टली एंटर करगी इनटू द फेज टू रिएक्शन, बजाय इसके के पहले वो फेज वन के ऊपर जाए। अच्छा जी, अब जी ये जो ड्रग है दैट इज गेट एक्सक्रीटेड इन दी किडनी थ्रू यूरिन और दी बाइल, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा ग्लुकोनाइडेशन, ग्लुकोनाइड्स बने। अब देखो इसके ऊपर मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास, मैं कह दूं मेरी ड्रग थी, मेरी ड्रग के साथ कोई एंडोजेनस सब्सटेंस अटैच हुआ, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास ग्लुकोनाइडेशन का रिएक्शन हुआ, कॉन्जुगेशन रिएक्शन हुआ, इस ग्लुकोनाइडेशन के प्रोसेस के अंदर ये जो ग्लुकोनाइडेशन हुआ इसके अंदर जी मेरे पास कौन सा एंडोजेनस सब्सटेंस मैंने अपनी ड्रग के ऊपर लगा दिया, दैट इज़ द ग्लुकुरोनिक एसिड, ग्लुकुरोनिक एसिड मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये एसिड भी मुझे कहाँ से मिला, अल्टीमेट सोर्स मैं इसका जाके कहूँगी दैट विल बी ग्लूकोज, ठीक है। डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं। अच्छा जी, मैंने कह दिया जी, मैं कह देती हूँ कि जी इसके सोर्सेज क्या हैं, मेरे पास ग्लुकुरोनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोफैक्टर, कोफैक्टर जो मेरी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली प्रेजेंट है, कोफैक्टर हेल्प करते हैं किसको, एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, कैटलाइजेशन में हेल्प करते हैं, दिस इज द नॉन प्रोटीन पोर्शन, नॉन प्रोटीन का कंपोनेंट है ना, नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, दिस इज नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट विल हेल्प द एंजाइम इन कैटलाइजेशन। भाई मेरा ये जो ग्लुकुरोनिक एसिड आया है दैट इज फ्रॉम अ कोफैक्टर, उस कोफैक्टर का देखो इधर मैंने नाम लिखा है UDP ग्लुकुरोनिक एसिड। अब इसमें बच्चों UDP क्या है, जिसका जिक्र आपके कैटिज्म के अंदर है, फिलहाल मैंने नीचे एब्रीवेशन लिखी, इसके ऊपर डिटेल में आऊँगी। UDP इज यूरिडीन 5-फॉस्फेट, यूरिडीन 5-डाइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा जी, अब जी आपके ऑथर ने कहा जी ये जो अगली डायग्राम है ये कैटिज्म की है, मेरे पास ड्रग थी, फेज वन में गई, फेज टू में गई, एक्सक्रीट होगी, ठीक है। मेरे पास ड्रग थी, ड्रग में क्या है जी, ड्रग मेटाबोलाइट्स विद मॉडिफाइड एक्टिविटी, मेरे पास ड्रग गई पूरी की तरह मॉडिफिकेशन नहीं हुई, पूरी की पूरी तरह पोलर नहीं हुई, जस्ट थोड़ी बहुत मॉडिफाई हुई, जैसे कि एस्पिरिन थी। अच्छा जी, अब वो फेज टू के अंदर गई, अब बॉडी से एक्सक्रीट हुई। अच्छा, मेरे पास ड्रग थी, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुई, स्टिल मेरे उन इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स को ज़रूरत है कि भाई उसके ऊपर मैं और उसको हाइड्रो फिलिक बनाऊं, फिर वो फेज टू में गई और फिर मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हुई। अब जी मेरे पास ऐसे भी ड्रग हैं लाइपोफिलिक हैं, ठीक है, वो जी एस सच क्या है कि मेरी बॉडी से उन्हें एक्सक्रीट होना पड़ता है, चाहे बाइल से हों, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मेरे पास जी ऐसे ड्रग हैं जो ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रो एस सच एक्सक्रीट हो जाएंगी। अच्छा जी, ऐसी आपकी ड्रग की एग्जांपल है दैट इज दी मेटफॉर्मिन, याद है हम लोगों ने मेटफॉर्मिन पढ़ी थी, दैट वाज यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज में यूज होती थी, दिस इज एंटी डायबिटिक ड्रग, क्लियर है। अब बच्चों जी मेरी जो ड्रग है मेटफॉर्मिन है, दैट इज अ बेसिक ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, मेरी ड्रग के ऊपर किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, दिस विल एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। मेरी ये जो मेटफॉर्मिन है इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज, ये मैंने साइन डाला ना इस तरह का आगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स। अच्छा बच्चों देखो, मेटफॉर्मिन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, मेटफॉर्मिन का कौन सा ब्रांड है इधर, नियो डार्पर स्ट्रेंथ।